थैंक यू सो मच. आप वहां तो आराम से देख रही होंगी मसाला टीवी चैनल और जी अपना... मैंने अभी थी, मैं हर रोज मिला के नंबर थक जाती हूँ. आई एम सो लकी कि मैंने आपसे बात की है. नहीं नहीं नहीं, इट्स आवर ऑनर. आप हमें आज का जवाब देंगी? आप जवाब भी देना चाह रही है ना? जरूर जरूर. वो क्या घी होता है, घी के ताले क्या कहते हैं, घी के दिए जलाना. और मुझे ये बताए कोई रेसिपी ऐसी खास आपने ट्राई की हो जिसमें बहुत ज्यादा तारीफ मिली हो आपको? मुझे बहुत ज्यादा तारीफ मिली है. मैंने मनोहर साहब इससे पहले इन्होंने चिकन बनाई थी कोई किसी और उसमें ना, लेकिन डेढ़ साल पहले मनोहर साहब ने, और मैंने लगा के नंबर. I was shocked कि मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करके. नहीं नहीं, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके. शुक्रिया. अच्छा, याद नहीं आपको मैंने वो कौन सी चिकन आपने बनाई थी? कुछ याद है उसका नाम? उसका नाम याद नहीं है. मैं अपनी कॉलेज में अमेरिकन के साथ थी, तो मैंने कहा यू नो व्हाट, क्या हम पाकिस्तानी डिश बना सकते हैं? हाँ. तो उनके पास जो जो रेसिपी थी, मैंने कहा ये मेरे पाकिस्तान के लोग हैं वो अमूमन बनाते हैं, तो मैं बनाकर दिखाती हूँ. अरे जबरदस्त. और कुछ लगा कि अरे जी, कोई फरमाइश करेंगी उनसे? मैं इनसे फरमाइश करूंगी. इन्होंने एक चिकन बनाया था, आई थिंक वो पर्शियन था, ईरानियन चिकन था वो. ईरानी चिकन, ईरानियन, ईरानियन थे. स्किन के साथ बनाया था इन्होंने, व्हाइट राइस थी. हाँ, इस तरह की थी. अच्छा अच्छा, वो इट वाज जोजा चलो, तो ऐसा तो नहीं था? चलो कबाब था राइस के साथ चिकन. बिल्कुल बिल्कुल, चलो कबाब था जी. ओह नाइस नाइस. कभी बहुत देर हो जाती है ना. और बताइए कि हम आपकी रेसिपी कैसे ले सकते हैं, रेसिपी बुक? आप हमारा वो जो है ना फेसबुक लाइवली वीकेंड्स का ऑफिशियल पेज जो है उसे ज्वाइन कीजिए. उसमें तमाम रेसिपीज हमने अपलोड की हुई हैं, तो उसमें ओके ठीक है. तो उसमें नहीं, मुझे आप लोगों के सिग्नेचर के बुक चाहिए के सब शेफ के साइन के साथ. अच्छा ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि वहाँ तक वो पहुँच जाए आपको. लेकिन यहाँ पर अगर आप पाकिस्तान में दे देंगी ना. जी जी, पाकिस्तान वालों जी बिल्कुल. इंटरनेशनल अभी हमने नहीं भेजना शुरू किया है, बट एनीवेज आप अपना नंबर लिखवा दीजिएगा और फिर हम कर देंगे. थैंक यू सो मच जी. बड़ा अच्छा लगा मैडम से बात करके, इतनी दूर से बात कर रही थी. अच्छा, अब हमने आपने देखा जब मैंने भुनाई किया, दही डाला, नमक डाला एंड और जो पेस्ट हमने बनाया था विथ वॉलनट एंड जो सीड्स थे मेलन के, जिसे हम चार मगज भी बोलते हैं, और बादाम, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया. उसके बाद मैंने इसमें हमने हाँ सेफ्रॉन कलर भी थोड़ा ऐड किया था. और फिर इसके बाद एक कप दूध मैंने इसमें डाला. इसमें कोई लाल मिर्च नहीं गई, इसमें कोई ब्लैक पेपर नहीं गया, इसके अंदर किसी किस्म का कोई गरम मसाला भी नहीं गया. ठीक है, अब इसको हमने दूध डाल के इसको पकाया और आप देख रहे हैं कि अब ये ग्रेवी फॉर्म कर गया है, दूध भी जो है वो रिड्यूस हो गया है. और इसको धीमे आँच में कर दिया है ताकि इसका ऑयल ऊपर आए. अब इसके अंदर शिमला मिर्च, एक शिमला मिर्च मैंने लिया और उसका मैंने पेस्ट बनाया, वो मुझे इसमें ऐड करना है. तकरीबन चार मैंने टीस्पून इसमें ऐड किया है. चलिए यहाँ पर हम ब्रेक ही ले लेते हैं और ये भी ऑलमोस्ट तैयार है. जब तक हम ब्रेक से आएंगे मैं इसको डिश आउट भी कर दूंगा, फिर हम लड्डू की तरफ आ जाएंगे. ठीक है जनाब, right? आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ साथ ही रहिए. विल बी राइट बैक. मुर्ख दिलरुबा अज्जा, बोनलेस चिकन आधा किलो, नमक, काली मिर्च हसबे जरूरत, दूध एक कप, ज़ाफ़रान का रंग एक चुटकी, अदरक एक खाने का चमचा, साबुत गरम मसाला एक खाने का चमचा, तेल छः खाने के चमचे, हल्दी पाउडर एक खाने का चमचा, शिमला मिर्च दो अदरक, मेलन सीड्स चौथाई कप, धनिया आधी गट्ठी. अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन हम आपको वेलकम करते हैं लाइवली वीकेंड्स में. मुर्ख दो प्याज़ा तैयार है, इसको हम टेबल पे रख देते हैं. और जो हमारी तीसरी डिश थी वो भी ऑलमोस्ट तैयार, ऑलमोस्ट क्या मतलब तैयार हो चुकी है. वो उसको अच्छी सी खूबसूरत सी डिश में हम निकाल रहे हैं. और जब तक हम ये निकाल रहे हैं हम अपने नाज़रीन को दिखा दें या आप लाइवली स्पॉट की तरफ बढ़े? yes, तो चलिए नाज़रीन, हम यहाँ पर ज़रा सी टेबल सेट कर लेते हैं. आप लोग कहीं मत जाइए, जाकर देखिए कि किरण मैरियट में क्या कर रही थी हमारे लाइवली स्पॉट. Thank you.
खड़ी हूँ इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैरियट का नाम ही काफी है। आपको तो पता ही है हर तरह के रेस्टोरेंट्स यहाँ पर है, होटल का एक माहौल होता है, आते ही साथ जिसे कहते हैं एक मुस्कुराहट आ जाती है और बहुत अच्छी सी फीलिंग होती है। क्योंकि हमारा शाही महीना है, आज लाइवली स्पॉट में हम आपको लेकर जा रहे हैं यहाँ के एक मुगलाई रेस्टोरेंट दम पुख में। आइए चलते हैं। लीजिए, होटल का एक अपना चार्म होता है, मज़ा आता है यहाँ आकर। और मैं इनका मेन्यू कार्ड अभी देख रही थी, मुगलाई खाना है, एपेटाइजर्स और सूप्स भी मुगलाई किस्म के हैं, तंदूरी पनीर टिक्का, तिलमिल झींगा ये इनके एपेटाइजर्स में से है, और सूप्स में भी महाराजा शोरबा, चिलमन बिरयानी देखते हैं और एक हम ऑर्डर करते हैं कुछ चिकन में से। डम्स हैं, ग्रीन चटनी है, सॉसेस हैं और खुबानी वाली मीठी चटनी भी है। और ये पापड़ देखिए आप, गोल रोल करके इन्होंने वो फ्राई किए, वेरी इंटरेस्टिंग, देख कर ही दिल खुश हो जाए। ऑर्डर दे दें। मीठे की भी काफ़ी वैरायटी है यहाँ पर, शाही टुकड़ास वगैरह हैं। हाँ जी, ऑर्डर आप, मैं ये चाह रही थी कि ये चिलमन बिरयानी में क्या है इसमें? बेसिकली मटन बिरयानी है, स्टफ पे कवर किया हुआ, बस पफ के साथ ही है। एक ये ऑर्डर कर दीजिए। ओके मैम। और एक मैं चाह रही हूँ करीज में से, ये मुर्ग मक्खन वाला। नॉर्मल नान है, नॉर्मल कर, नॉर्मल नॉर्मल नान कर लेते हैं, वो भी अच्छे होंगे यहाँ पे। तो वहाँ बैठे बैठे मुझे खिड़की से किचन नज़र आ रहा था, तो मैंने इनसे पूछा ज़रा शेफ से भी मुलाकात की जाए, क्या चीज़ कैसे प्रिपेयर की जा रही है। कोई बड़ी डिफरेंट सी चीज़ मैंने ऑर्डर की है, चिलमिन बिरयानी, और उन्होंने कहा इसको कुछ कवर करते हैं। ये शेफ है यहाँ के, हम कवर करते हैं और वो पफ पे जब ओवन में पकता है तो आपने अगर जैसे दम पे जैसे लगाते हैं तो उसको जब दम से हटाते हैं तो उसमें से खुशबू अरोमा आता है, तो वही गैस के सामने जब वो पफ पे होते हैं तो वही अरोमा गैस को फील होता है। क्या बात है। तो ये अच्छा, ये जरा देखते हैं, इंटरेस्टिंग। ये बहुत ही अनयूजुअल सी बिरयानी है, कभी खाई नहीं ना कभी सुनी। ये यहाँ पर आएँ आप लोग और ट्राई करें। और इसमें ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी इन्होंने डाले हुए हैं और इसका मसाला भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। बहुत यूनिक सी है ये, बहुत डिफरेंट फ्लेवर है इसका। चिकन मक्खन वाला, अच्छा ये क्रीम और दही इस तरह की मैरिनेशन के साथ, कैश्यू नट्स भी हैं पेस्ट बनाकर इन्होंने। वो हाँ, एक्सेलेंट, जबरदस्त। आई नो मैं तो खा रही हूँ और जितने मज़े से खा रही हूँ आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा।
आज तो मजा आ गया, इतना शाही ट्रीटमेंट मिला कि बस अब थोड़ी देर यहाँ पर बैठकर मैं इंजॉय करना चाहती हूँ, रिलैक्स करना चाहती हूँ। मेरा मशवरा जरूर मानिएगा, मैरिड जरूर आइए, यहाँ पर खाइए, किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं। हमने तो आज आपको दम पोख्त की सैर कराई थी, नेक्स्ट कभी देखेंगे कुछ होगा तो यहाँ का चाइनीज भी बहुत मशहूर है। फिलहाल चलते चलते फिर मिलेंगे, किरण को यहाँ से दीजिए इजाजत, बैक टू आवर स्टूडियोस। जी जनाब, आपने देखा लाइवली स्पॉट, बहुत मजा आया था। चिलमन बिरयानी अब आपको पता चल गई कि कैसे बनती है, और यहाँ पर ये हमने ये भी बना लिया, मुर्ग दिल रुबा तैयार हो चुका है, तैयार है। और इधर हम चल रहे हैं अपने बेसन के लड्डू की तरफ। नहीं चलिए, नहीं चलें यही अच्छा। तो नाज़रीन, आपने देखा था उस वक्त जब मैंने ये 2 कप बेसन इसको भुनाई की थी, और ऐसी भुनाई करनी है बिल्कुल लाइट फ्लेम में कि ये ब्राउन ना हो जाए, और जैसे थोड़ा सा पेशेंटली सब्र के साथ इसको सौते करते रहें ताकि ये एक जगह जमे ना, और जब ये इसमें से अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाए ज़रा सी भुनी हुई, तो देख लें कि जब आप फील करें यस, मगर साथ साथ ख्याल रखें कि कहीं नीचे से जल ना रहा हो, और इसको फौरन हटा दें आप, और इसको ठंडा करने के लिए रख दीजिए। अब ये ठंडा हो गया है, आप देख रहे हैं मैं अपने हाथ से इसको मसल रहा हूँ कि इसके अंदर अगर छोटी छोटी गुटलियाँ हो गई हों। अच्छा, तो और अगर हम छाने? नहीं, छानना तो नहीं है इसको, ठीक है। एंड फिर इसको आप हाथ से अच्छी तरीके से, इसको हाथ की फीलिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इसके अंदर। अच्छा, अब एनीवे ये मैंने कर लिया है। अब इसके अंदर हमने अपना जो रेगुलर शुगर हम इस्तेमाल करते हैं घर में, आइसिंग शुगर नहीं इस्तेमाल करना है, इसको मैंने ग्राइंड किया है, इसके अंदर दाने दाने से हैं, ठीक है। जो हम बेसन का लड्डू खाते हैं तो वो जो क्रंची क्रंची सा लगता है वो ये शुगर है। 1 कप इसमें हमने 1 कप और आधा कप, 1.5 कप हमने ये शुगर, ग्राइंड हुआ हुआ शुगर इसमें हम डालेंगे, ठीक है। और बेसन हमने 2 कप लिया था ना? 2 कप, ठीक है। अब ये अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स कर दिया है, और मिक्सिंग के बाद कोई इंग्रेडिएंट हम अभी डाल? बिल्कुल जी हाँ, अब सारी चीज़ें डलनी शुरू हो गई हैं, ठीक। इलायची पाउडर किया 1 से 2, बादाम 2-4 बादाम इसके अंदर, 2-4 पिस्ता इतना ही थोड़ा सा, बिल्कुल ही फाइनली चॉप, ठीक है। ये भी चले गया इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ ये हमने मिक्स कर दिया। अब इसमें घी ऐड करना है, विच इज़ दी मैं समझता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि अगर हम ज़रा सा ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो जो लड्डू है वो उसके अंदर से बहुत ऑयली निकलना, क्योंकि जब हम उसको मसलते हैं तो हमारे हाथ की जो गर्मी है वो उसको और मेल्ट करती है, तो वो बहुत ज़्यादा ऑयली और ग्रीसी हो जाता है। इसके हिसाब से हमें लेना है घी इसमें 4 टेबल स्पून या अबाउट समझ लें, उससे ज़्यादा ही जाएगा वैसे, ठीक है। एंड इसको बड़े मैं जो करता हूँ वो बड़ी एहतियात से करता हूँ, अच्छा, एक साथ डालता नहीं हूँ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हम करके डालेंगे, ठीक है। इसमें अब मैं तकरीबन 2 मैंने टेबल स्पून जो है